Please subscribe to our channel Education Talks with Abbas and press bell icon for latest and more educational videos. So dear friends, हमने chapter 1 के सारे जो according to smart syllabus जो important question थे हमें सारे कर लिए हैं। इस chapter 2 में से सिर्फ short question आने हैं, तो मैंने आपको वो भी सारे बता दिए। last topic जो रह गया, आप पिछली previous videos देख सकते हैं, sublimation क्या होती है, हमारा जो है solder extraction क्या होता है, chromatography क्या होती है। जो last हमारा part है according to smart syllabus वो है paper chromatography। और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आएगा, इसमें तीन हम करेंगे। व्हाट इज आरएफ वैल्यू पेपर में आएगा, वो एक आएगा इसमें से। व्हाट इज आरएफ वैल्यू, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, ये तीन क्वेश्चन आप जो है अच्छे तरीके से कर लें। अब इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली ये टेक्निक जो है, इसमें हमने एक पेपर खास इस्तेमाल किया है जिसे वेटस्टेन 1 पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटमैन नंबर 1 ग्रेड पेपर इस्तेमाल किया इसमें। अब इसमें आप देख लें, इसमें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन देख लें। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये लिखी है डेफिनेशन साथ साथ। Type of chromatography in which mobile phase usually हम क्या लेंगे इसमें, organic liquid लेंगे, usually organic liquid flows over paper and stationary phase is also liquid। ये आप याद रखें definition। Paper chromatography is a type of chromatography in which mobile phase हमारी liquid होगी, जो paper के ऊपर flow करेगी, और stationary phase हमारी क्या होगी, liquid होगी इसमें। तो ये हमारी paper chromatography है। इस जो detail में हम वो बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं इसमें, लेकिन इसमें हम पहले एक बात आप समझते हैं, प्लीज इधर देखिए जरा। ये हमारे पास, हमने ये वेटस्टेन पेपर ले लिया, हमारे पास टैंक है, ठीक है। ये टैंक हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड से हमारा फिल है, ऑर्गेनिक लिक्विड से हमारा फिल है। तो ये हमने वेटमैन पेपर हमने डिप कर दिया, और आपने क्या क्या बनाया है, प्लीज हमें टिक लगा दी थी हमने, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसको लाइन लगा दी थी हमने। अब हमने देखिए हमने क्या किया, जब ये according to capillary reaction ऊपर जाने हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हमने component को separate कर सकते हैं, ये हमारी technique होती है paper chromatography। और next question जो है इसमें, what is RF value। अब इसमें देखिए RF value बहुत important question है, अभी ध्यान से आप देख लें कि हमारी जो है RF value होती क्या है, इसको समझना जो है बहुत जरूरी है। RF वैल्यू हमारी जो है, ये लिखने आता है मुझे, RF stands for retardation factor, it is different for each component। ये अपने साथ साथ नोट कर लें, which is separated by chromatography। Chromatography से हम क्या करते हैं, separate। इसका जो formula जो है, अपने हाथ से देख लें, इसका formula हमारा RF is equal to, देख लें आप, distance traveled by component from original spot, और this आगे है distance travel by solvent from original spot। Please ना करें, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे,
इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम ओरिजिनल स्कोर कंपोनेंट। अब यहां हम लाइन लगा दी है हमारा, इसे सॉल्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं, इसे सॉल्वेंट फ्रंट बोलेंगे। अब हमने एक लाइन लगा दी, हमारा कहां तक मैक्सिमम चल जाता है, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं y / x से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारा जहां तक हमारा वो ट्रैवल करके ये स्कोर किया है और जहां स्टार्ट हुआ था, इसमें ये देखिए यहां तक गया है, ये हमारा ये पॉइंट है यहां तक, और हमारा सॉल्वेंट फ्रंट ये है, इसको हम दोनों को आपस में डिवाइड, इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे, हमारी rf वैल्यू आ जाएगी, मीन इसने बताया कि हमारा सॉल्यूशन में हमारा वो कंपोनेंट कितना था जो हमारा जो है सेपरेट हो चुका है, इसे हम बोलते हैं rf फैक्टर। ध्यान से आप इसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख भी सकते हैं, तो ये आप वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया हमारा वो है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये लास्ट क्वेश्चन लिख लेने हाथ से, तो ये आधा होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें, सर आप भी लिखें, आपकी सलाह आप लिखें, मुझे आता है कि लिख लें आप यूजेस लिख लें यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का पहला यूज जो है इसमें हम ये लिखते हैं सेपरेशन कहते हैं बिटवीन टू कंपोनेंट्स को हम करते हैं, पहला जो हमारा इसमें जो है इसको हम सेपरेट करेंगे टू डिफरेंट कंपोनेंट्स में। अब से साथ से देखते हैं क्वेश्चन, इसमें जो है पहला है इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस यूजफुल इन सेपरेशन एंड आइसोलेशन, नहीं आइसोलेशन सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ कलर पिगमेंट्स। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट इसका है कि ये मेडिसिंस में एंड प्रोटीन्स में इस्तेमाल होती हैं, विच आर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स कैन बी आइडेंटिफाई, इसे हम आइडेंटिफाई करना जो होता है ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इसमें जो मॉलिक्यूल्स को हम हेल्प टू क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। पहला सेपरेशन टेक्निक है, दूसरा ये मेडिसिन और प्रोटीन्स में जो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, हमें कंपाउंड की प्योरिटी देखनी हो कि हमारा जो है कंपाउंड कितना प्यूरिफाई है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी कि हमारा जो है कंपाउंड जो है कितना जो है वो क्या है प्यूरिफाई कंपाउंड है, वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। और जो चौथे नंबर पे जो पॉइंट है इसे हमें देखना हो, हमने इट इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसे हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ये तीन जो चार पॉइंट जो है इससे आप याद कर लें समझ लें, पहला जो है ये हमारा सेपरेशन और आइसोलेशन, हमने कलर पिगमेंट्स को हमने सेपरेट करना हो आइसोलेट करना हो। दूसरा जो है हमारे पास जो प्रोटीन्स और मेडिसिंस में कुछ मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली होते हैं जो हम जिसको हम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, जो हम इस टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है, हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी चेक करनी हो तो तभी हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे है इट इज यूज क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर एंड हुआ है यहाँ पर, हमने इसके बारे में जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जितनी भी टेक्निक्स थी हमने वो कर चुके हैं हम, तो इसके बारे में हम लास्ट चीज रह गई, हम थोड़ी तो इसमें एक्सरसाइज की भी बात कर लेते हैं। अब अगर आपने नोट कर लिया तो मुझे आप बता दें, कर लिया नोट आपने, अब इसमें लास्ट चीजें रह जाएंगी वो एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में जो चीजें जो है वो अपने एक्सरसाइज खोल लें बुक में, जरा एक्सरसाइज खोल में आपको बता दूं क्या करना चाहिए, आप सारे जो है जो देख रहे हैं वो भी खोल लीजिए। ये जो है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खोलने में आपको बता देता हूँ कि कौन से जो है हमने करने हैं क्वेश्चन जो है, तो आप सारे जो है अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए। अच्छा जो इसमें अब एमसीक्यू 2 नंबर आप पढ़े जरा था, आप एमसीक्यू नंबर 2 पढ़े नहीं है, तीसरा पढ़ लें,
साल आप बताएंगे सोलन एक्सक्रेशन इज एन इक्विवेलेंट प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता आपको चलना था आप देख के बताया लग पा था, लेकिन ये तो है जिससे हमने बहुत डिस्कशन किया इसके बारे में. अगला आप बताएंगे जरा बुक खोलने में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू बी यूज्ड. क्या होगा इसका गोल्ड टाइप का था जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो हम कर रहे हैं. हमने बात की थी ना, हमने जो हमने तीन पॉइंट्स पढ़े थे कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, थर्मली हमारा अनस्टेबल होना चाहिए, हमारा इमिसिबल होना चाहिए. ये अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आया जो आपने पढ़ाया वो चला आप उसका जवाब दे सकते हैं आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो. अब इसमें जो तीसरा जो है अब आप बताएं द कंपैरेटिव वेव्स एट व्हिच द सॉल्यूट मूव इन अ पेपर क्रोमैटोग्राफी व्हिच मेनली डिपेंड्स ऑन जो आपने बताया आरएफ वैल्यू. जितनी उसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितनी आरएफ वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी उतना हमारा जो ये क्रोमैटोग्राफी हमारी सक्सेसफुल होगी. ठीक है, आरएफ वैल्यू कम होगी उतनी हमारी जो है क्रोमैटोग्राफी हमारी सक्सेसफुल नहीं होगी. ये आप याद रखें. अब इसका जो अगला ब्लैंक्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं. तो इसमें अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हम नहीं करना है हमारा क्योंकि स्मार्ट सेल में शामिल नहीं है. और क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी शामिल नहीं है, स्मार्ट सेल में शामिल करते हैं जल्दी. अच्छा, और ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये शामिल हमारा है कि हमारा जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल वाटर में हो जाता है एज वेल एज क्लोरोफॉर्म ड्यूरिंग द सेपरेशन इट रिमेंस एक्वस देयर. डिस्क्राइब अ मेथड टू फॉर्म दिस लेयर. हमने इसकी लेयर बनानी है तो इसमें हम आसानी से कौन सा इस्तेमाल करेंगे. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. आप ये लिख सकते हैं कि हम इसके कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक. हम क्या करते हैं कोई हम सॉल्वेंट ऐड करवाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा अलहदा हो जाएगा. और क्वेश्चन 7 जो है इसमें बोलनी है. क्वेश्चन 8 देखिए जरा इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक व्हाई रिपीट एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल बट लेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. आप कहते हैं कि हम जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक थी हमने जो काफी जो बात की थी इसके बारे में कि हम इसको कितना रिपीट बार बार क्यों करवाते हैं क्योंकि हमारा जो है वो खास सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से हमारा विजिबल नहीं होता. तो इसके वजह से हम जो है इसे जो हम इसे सेपरेट बार बार इसको हम क्या करवाते हैं इसको हम क्या करवाते हैं बार बार रिपीट करते हैं प्रोसेस को. अब इसमें अगला जो है क्राइटेरिया ऑफ सॉल्वेंट आप क्वेश्चन नंबर 9 भी आप करेंगे दो हैं तो ऐसा हमारा चैप्टर ये जो है क्लियर हो गया. अगर आप इसमें कुछ भी समझ ना आए तो आप उसे भी पूछ सकते हैं चीज़ें. तो इंशाल्लाह हम कल से जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो सीरीज ऑफ वीडियोज है जो पसंद आ रही होंगी. इसमें हमने जो चैप्टर 1 को लेके चले चैप्टर 2 को भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सेल क्योंकि यहाँ बार बार बात से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो है पेपर जो बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है. तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो कुछ आना है बोर्ड में सब कुछ मैं आपको बता दी किस हिसाब से आ सकते हैं. तो इसमें हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किए शॉर्ट क्वेश्चन. चैप्टर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में एक न्यूमेरिकल नोट आएगा. तो ये आप अच्छे तरीके से जो है ये वीडियोस देख लीजिए. इंशाल्लाह अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.